हल्ला बोल में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी, ममता दीदी ने नया दुश्मन बना लिया है और असदुद्दीन ओवैसी पर अपना निशाना टिका दिया है। ओवैसी ने सामना डटकर किया, फौरन पलटवार किया। दीदी हैदराबादी भाईजान से परेशान है। दरअसल मुसलमानों के रहनुमा बनने को लेकर घमासान छिड़ा है। ओवैसी करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में एंट्री। शायद यही वजह है कि दीदी को सुनाई दे रही है खतरे की घंटी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मनोजीत मंडल, जिन्हें आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमेशा ममता बनर्जी के डिफेंस में देखते थे, बंगाल से वो आज पहुंच गए हमारे स्टूडियो और पूरे मूड और तेवर के साथ रहेंगे इस बहस में। वो हमारे साथ शामिल। हमारे साथ आमिर हैदर जैदी साहब, जो कि सीपीआई के नेता है, स्टूडियो में पहुंच गए हैं। गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए जुट गए हैं। हमारे साथ अब निजेश अवस्थी साहब, आरएसएस के जानकार भी जुड़ रहे हैं। कई और मेहमान होंगे। गौरव भाटिया जी, देखिए, ताली बजाने के लिए आपके पास अच्छा मौका मिला है, और कैसे ऐसे बयान पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, इस पर चर्चा आपसे होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। थन गई इस बार तो सियासत में नई जंग छिड़ गई। आप जितने सीट जीते वो पूरे मुसलमानों की वोटों की वजह से जीते। इनको समझना पड़ेगा कि मुसलमान अब बदल चुका है। बल्कि मैं तो थैंक यू बोलूंगा चीफ मिनिस्टर को कि उनकी जबान पर मेरा नाम आ गया। मुस्लिमों की रहनुमाई पर इस बार राजनीति के धुरंधरों में जंग छिड़ गई। एक दूसरे से 1500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैदराबाद के भाईजान और कोलकाता वाली ममता दीदी की लड़ाई छिड़ गई। ममता बनर्जी ने हैदराबाद में एक नया सियासी दुश्मन बना लिया है, जिसका नाम लेने से परहेज किया, लेकिन चोट सीधा कमजोर नब्ज पर की। कट्टरवाद का आरोप मढ़ते हुए कूच बिहार में अपने भाषण में ममता ने हैदराबाद वालों से बचकर रहने की नसीहत दे दी। हाल के दिनों में AIMIM ने बंगाल में पार्टी के फैलाव की रणनीति बनाई है और हावड़ा, कोलकाता, उत्तरी दिनाजपुर, नादिया और आसनसोल के मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी की कई बैठकें की है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की इस चेतावनी के पीछे यही मुस्लिम बेस खिसकने का भय है, वरना अब तक बीजेपी पर लगातार प्रहार करने वाली दीदी आक्रोश का शिकार यूं ही नहीं बदलती। इधर इस मामले पर AIMIM चीफ ने सारे घोड़े खोल दिए, सामने से हमला बोल दिया, कहा कि इफ्तार पार्टी करके सिर पे टोपी लगा के ये समझेंगे कि मुसलमान खुश हो जाएंगे तो ये भुलावा है। 18 सीट पर बीजेपी जीती। आप जितने सीट जीते वो पूरे मुसलमानों की वोटों की वजह से जीते। आप डेटा है उसको प्रूफ करने के लिए, और आप बीजेपी को नहीं रोक पाते। 18 सीट बीजेपी जीतती, मैं तो लड़ा नहीं, अब लड़ूंगा असेंबली का इलेक्शन, तो आप उस पर बोलिए ना। मुसलमानों के जो एजुकेशनल, सोशल, ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स हैं, सबसे वर्स हैं। इतने सालों से आप सरकार में आपने क्या किया? तीसरी बात यह कि इनको समझना पड़ेगा कि मुसलमान अब बदल चुका है। मुसलमानों के भी एस्पिरेशन है एम्पावरमेंट के। अरे हर कोई हमको टारगेट कर रहा है। किसी के घर में भैंस दूध नहीं दी, हम जिम्मेदार। किसी के घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, हम जिम्मेदार। हाँ, किसी हर जगह की जिम्मेदारी हम पर है। फिर आकर पूरे देश में अगर कोई एक्सट्रीम है तो ओवैसी है। और आप जो बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं अपने स्टेट में, वो आपको नजर नहीं आता, क्योंकि आप में एरोगेंस है, गुरूर है। आप नीचे मुंडी करके देखना नहीं चाहती हैं अपने सर को, तो आपको लगता है कि उस पे जिम्मेदारी डाल दो। बीजेपी ने भी खुलकर इस लड़ाई पर ताली बजाई, अपना फायदा देखा। बीजेपी किशनगंज का जिक्र करके आने वाले दिनों में बंगाल में एक नए सियासी खेल पर बोलने लगी। अब उनको रिलीज करना पड़ रहा और उसको स्वीकार करना पड़ा। एक भी एक प्रकार चलाकी है, मुसलमानों को भड़का करके राजनीति किया, अब हिंदुओं को इस प्रकार बहलाने के प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई फायदा होगा। इसको छोटी मोटी लड़ाई मत समझिएगा। अल्पसंख्यक कट्टरवाद के बहाने ममता की चेतावनी में अपनी राजनीति को AIMIM के फैलाव से बचाने की कोशिश है,
तो वैसी के लिए अल्पसंख्यकों की बिसात बिछाकर अपनी पॉलिटिक्स को एक नए राज्य में स्थापित करने की ललक, ये तो सिर्फ इस लड़ाई का पहला चैप्टर है। देखिए, अक्सर मुद्दे पर बहस में आप बीजेपी वर्सेस अन्य पार्टियों को देखते थे, लेकिन आज टीएमसी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को आप देखेंगे इस बहस में। और इसीलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से, चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें, क्योंकि आसिम वकार साहब भी अब प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं एआईएमआईएम की तरफ से। और अगर मैं सही हूं तो वकार साहब, आप ही को पश्चिम बंगाल का जिम्मा भी सौंपा गया है। सबसे पहले आपसे समझना मैं ये चाहती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये क्यों लगता है कि वही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं ममता बनर्जी के, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने सभी घोड़े खोल दिए और प्रहार कर दिया, वो तो सिर्फ इतना कह रही है कि कट्टरवाद से बचिए और हैदराबाद में बैठी एक पार्टी को दिया गया है ये कट्टरवाद का जिम्मा। देखिए, ममता जी को ये बात बोलने से पहले मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से अपनी खुद की अंदर से जांच परख कर लेना चाहिए थी। अच्छा, अपने गिरेबान में झांक कर उनको देख लेना चाहिए था कि जब बोल आवाज कट गई। उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटीज में कुछ एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर हैदराबाद बना लिया है, तो आप हमें एक्सट्रीमिस्ट कह रही हैं, हमको बीजेपी से मिला रही हैं। लेकिन हमने साबित किया है 1957 में जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब के दादा ने बनाई थी, जनाब फखरे मिल्लत साहब ने, उसके बाद से लेकर 2019 तक हमारा एक कारपोरेटर भी बीजेपी में नहीं गया। लेकिन ममता बनर्जी खुद दो बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रही। दीदी के बारे में सब जानते हैं कि जब सरकार में थी तो बीजेपी के साथ वो रेल मंत्री थी, उनके त्रिवेदी जी मंत्री थे रेल के दोबारा में, उनके मुकुल राय साहब बीजेपी के साथ मंत्री थे। तो हमको आप बीजेपी के साथ कह रही हैं, हमें एक्सट्रीमिस्ट कह रही हैं। आप बताइए कि जब आप बीजेपी के साथ गई थी तो उस वक्त आप एक्सट्रीमिस्ट हो गई थी, आप एंटी मुस्लिम हो गई थी, या बीजेपी को आप सेक्युलर मान रही थी? जब दोबारा आपने सरकार बीजेपी के साथ बनाई तब भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो गई थी या बीजेपी को आप सेक्युलर मान रही थी? पहले बात यह है कि आप सुनिए सुनिए, ये बात प्रवक्ता जी नहीं जवाब दे पाएंगे इनका, पॉलिटिकल ऑपोनेंट से टीएमसी के प्रवक्ता जी भी ये बात नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। ठीक है, जवाब सुनिए। अगर आपको सवाल पूछना है तो ममता जी के पास माइक लेके भेजिए और उनसे कहिए कि एमआईएम प्रवक्ता अरे 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 मैं ममता जी को चैलेंज कर रहा हूँ, उनसे पूछे कि उन्हीं ने आसिम वकार ने पूछा है कि आप बीजेपी के साथ दो बार गई, बिल्कुल बीजेपी के साथ दो बार? जज साहब थोड़ा सा सुनिए, बिल्कुल चैलेंज कीजिएगा, आमने सामने आइए, चैलेंज बिल्कुल हम लड़ेंगे, लेकिन पीछे से क्यों लड़ रहे हो? आप देखिए, आप जो बोल रहे हो, बीजेपी के वहाँ का जो चीफ है मिस्टर दिलीप घोष एक ही बात बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? सब समझते हैं, हम बंगाल की जनता भी समझते हैं। क्या समझते हैं? सब समझते हैं कि किन लोगों के, किन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो। कुछ हम लोग भी समझ रहे हैं, पिछले दो सालों से कोशिश कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। ओवैसी की पार्टी ने वहां बैठके की है कई मुस्लिम बहुल इलाकों में, यही परेशानी है ना, खुलकर बोलिए ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी आएगी रैली नहीं कर सकते, मोदी नहीं घुस सकते, अमित शाह नहीं आ सकते। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वोट काट के बीजेपी का फायदा होगा। आज तक एक कैंडिडेट भी आप डाल नहीं सकते हो, असेंबली उन्होंने खुद ने कहा था असेंबली हम लड़ेंगे। किशनगंज सीट पर भी जीत के आए हैं, आपको अभी भी वोट कटवा पार्टी लग रही है? किशनगंज सीट में कौन जीत के आए? बिहार, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। बिहार और बंगाल एक हुई क्या? नहीं, अब अलग नहीं है, लेकिन देखिए ना कैसे पैर पसार दिया, कितनी सीटें जीती बीजेपी ने लोकसभा में, लोगों का पॉलिटिक्स हम सबको पता है, कितनी सीटें जीती ओवैसी साहब। ये सबसे बड़ा जो आयरनी है, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत लिबरल लैंग्वेज है, लेकिन कितना इलिबरल भाषा बोलते हैं आप देखिए। हर जगह में अयोध्या में भाषा इस तरह का भाषा वाला, अयोध्या के लोग कैसे पटके मारा, एक भी घटना नहीं घटी, उन लोग उन्होंने चाहे थे कुछ हो, इंग्लिश बोलना हम नहीं मानते हैं। इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम है दादा? इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अंग्रेजी कौन लोग, मुझे लगा अभी कोई बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहा है। आपके फ्रेंडली में है ना, इतना अच्छा बोल के, अंग्रेजी तो लैंग्वेज होता है ना, सब लिबरल लैंग्वेज, अंग्रेजों का लैंग्वेज, हम लोगों को सिविलाइज बनाया है। आप चले जाइए 150 साल पहले हुआ ना, लेकिन वो सब बहुत अच्छा इंग्लैंड में पढ़ा है, लेकिन बर्ताव कैसा देखिए आप, बिल्कुल एलिट फंडामेंटलिस्ट की तरह बात करते हैं। इसलिए कहा ना, यू शुड डिफाइन हिम एज मुर्गी अंडा ना दे तब भी ओवैसी पर जिम्मेदार। गौरव भाटिया जी कभी नहीं, आज भी ममता दी ने कोई नाम तो नहीं लिया हैदराबाद में। ओवैसी साहब आप इतना 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 इम्पोर्टेंट नहीं हो बंगाल में, तो हैदराबाद से और किसका जिक्र कर रहे थे?
और कोई भी हो सकता है। कौन? अभी कोई भी हो सकता है। हैदराबादी बिरयानी भी हो सकता है क्या? हैदराबादी बिरयानी से बच के रही है और वो कट्टरवाद फैला रहा है। चलो तो क्या करें, बंगाल में आए आप रहिए, दिखाए घूमिए, बिल्कुल नहीं जवाब लोग कर रहे हो। हैदराबाद बिरयानी कट्टरवाद फैला रही है, हैदराबाद बिरयानी कट्टरवाद फैला रही है। अरे सर कहां आप मनोजी दा, कोलकाता से दिल्ली आते आते ऐसा जुल्म मत ढाइए। इसको एकदम प्रो नेशनल मुद्दा बना दिया ममता जी ने, जो कही है प्रो नेशनल मतलब ये नहीं होगा हमारा वो दुश्मन बन गए हैं, लेकिन उनको ठीक से वो झूठ बोला। आप देखिए किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, माइनॉरिटी के लिए फेलोशिप मुद्दा नहीं बना रहे हम, तो कह रहे हैं मुसलमानों को जीतने की होड़ लग गई, लोगों को फेलोशिप मिलता है बंगाल गवर्नमेंट में, बहुत अच्छा काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज हुआ है, यूनिवर्सिटीज में हमारा ही दोस्त हुआ का वाइस चांसलर है। लकीर लंबी कीजिए ना, दूसरे की मिटाने के लिए क्यों निकल रहे हैं? पहले पूछना चाहिए था, जाना चाहिए था, वैसे सब तो नहीं गया ना गौरभाटिया जी। ताली बजाने का आपको एक मौका मिल गया। ताली बजाने का मौका नहीं मिल गया, देश की जनता आज देख रही है, केवल पश्चिम बंगाल की नहीं, कि यहां लड़ाई चल रही है कि बड़ा कट्टरवाद कौन फैलाएगा। यहां लड़ाई चल रही है कि ममता बनर्जी का जो कट्टरवाद है कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, या फिर जो कट्टरवाद ओवैसी का है जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे। अंजना जी, देश की जनता तो ये कह रही है, मुझे एक बात बताइए ना, सब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? सब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर ओवैसी हमारी वाई और जेड टीम भी कहलाए जाएंगे ना तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अभी आप तुलना कर रही थी या एक पैनलिस्ट ने करी, तो मैं ये कहूंगा कि हमारी बेइज्जती मत किया करिए कि AIMIM के साथ हमारा नाम भी ले। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जहां हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, जहां हम लोग बात करते हैं कि सब लोग देश आगे बढ़े और सब आगे बढ़े, वहां ये लोग केवल और केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं। आज देश का हिंदू सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट पारसी हर कोई पूछ रहा है क्या हमारा वोट अहमियत नहीं रखता। ये होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा कट्टरपंथी है और किस तरह से दूसरे को जो है नीचा करना है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो कट्टरपंथी सोच है इसकी हार पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में होएगी, आगे आप देखेंगी। और ये इसलिए है कि ओवैसी जी इतने सालों से ममता बनर्जी है सत्ता में, उनको याद नहीं आई कि क्या सामाजिक मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे, हेल्थ इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। आज एक लाइन ममता बनर्जी ने बोली तो ओवैसी जी खड़े हो गए। चाहे ममता बनर्जी हो चाहे ओवैसी हो, ये दोनों जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है इसके परिचायक नहीं है और ये केवल और केवल जहर उगलते हैं जैसा इन्होंने पहले भी किया है। बीजेपी अब सिर्फ गंगा जमनी तहजीब की रहनुमाई कर रही है, ये सभी पार्टियां मुस्लिमों की रहनुमाई के लिए लड़ाई कर रही हैं। जैदी साहब जवाब दीजिए। चुटकुला अच्छा है अंजना जी बोल रहे हैं, गौरव भाटिया जी आपको उनका उनकी बात चुटकुला लग रही है। ओवैसी कहते हैं मुसलमानों मुझे वोट दो, आपने भी सुना होगा, मैंने खुद ये बयान सुना। क्या मुझे दो? मुसलमानों मुझे वोट दो, वोट दो ओवैसी कहते हैं, तो बीजेपी भी यही कहती है। अगर ओवैसी जब ये कहेंगे तो बीजेपी का तो काम खुद ही खुद सीधा हो गया, पूरा हो गया। अब ओवैसी जी मुसलमानों की रहनुमाई का दम भरते हैं, एक ही एग्जाम्पल दूंगा और वो जवाब दे दें बैठे हैं मेरे मित्र ओवैसी के। ममता बनर्जी करती हैं यानी, सुन लीजिए उनका नाम लेने से आप ओवैसी के ऊपर क्या बात है? ममता बनर्जी क्या करती है फिर? ममता बनर्जी पे अभी सवाल नहीं है, ममता बनर्जी पे बोल क्यों अभी? अच्छा मोदी पे बोलेंगे, ओवैसी पे भी बोलेंगे। अंजना जी इतना बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं, इतना बड़ा प्रवक्ता नहीं हूं, आप बीच में टोट करेंगे तो तसलसल टूट जाएगा। ठीक है चलिए, पहले इनका तरन्नुम बन जाए उसके बाद इन पर अटैक किया जाए। ठीक है अब मुसलमान ओवैसी कहते हैं मैं मुसलमानों का नेता हूँ, कहते हैं और दम भर रहे हैं। अभी राम मंदिर पे जब फैसला आया तो ओवैसी के बयान पे ओवैसी को ट्रोल किया गया, ट्विटर पे ट्रेंड किया बिल्कुल कि उन्हें अरेस्ट करो। तो आजकल वामदल वाले भी ट्विटर विटर ट्रोल ट्रेंड सुन लीजिए, वो एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात करिए, जाए घर जाके कहे जो बैठे हैं ओवैसी के प्रतिनिधि। एक शख्स आया निकल के अली सौराब, उसने ओवैसी को ट्रोल किया कि साहब मैं ओवैसी, फिर ये ट्रेंड हुआ। आज वो अली सौराब को एक मामूली ट्वीट के मामले में बंद किया गया, तो मुसलमानों की कयादत में ये तो कूफी पाए जाते हैं।
یا مسلمانوں میں کوفی پائے جاتے ہیں. بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کی وضاحت بعد میں کیجیے. کیوں یہ کوفی وہ لوگ ہیں جو قیادت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اب یا تو یہ ویسی صاحب کوفی کی علامت لے کے پیدا ہوئے کہ جب علی سوراب پہ وقت آیا تو یہ گھر بیٹھے ہیں, آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. علی سوراب بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, لیکن نہیں دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں کے پیغمبر ہم ہیں, لیکن مسلمانوں کا پیغمبر کوئی نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ دیش, وہ کہنا چاہیے دیش کے اندر بٹوارے کی بات کرتا ہے. ہم دوسرا جننا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں دیش کے اندر کسانوں کی بات ہو, مزدوروں کی بات ہو, شکشا کی بات ہو, بچہ شکشا کو لے کے سڑکوں پر ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتا ہے سب کو سمان شکشا ہونی چاہیے, شکشا کا ادھیکار ہونا چاہیے. کسان سڑکوں پر جاتے ہیں, پولیس جا کے ڈنڈا بجاتی ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. آج تو دوستی ہے, بیچ میں ورسز مت لکھئے گا. یا ممتا بنا لیتی ہے, آج بیچ میں ورسز مت لکھئے گا. جو دیش کی بات کرے گا, دوستی دکھ رہی ہے, مزدوروں کی بات کرے گا. انجنا جی, کیا آپ نے ممتا بنرجی کو ڈیفینڈ کیا؟ میں نے ممتا کو ڈیفینڈ کیا, نام ہی نہیں لیا آپ نے. کیا بدلتی ہے راجنیتی؟ ابھی جب سچ بولیں گے تو ممتا جی کا ڈیفینس ہو گیا. دیکھیے آپ کی ڈیفینس پولیٹیکل اوپوننٹ, وہ سچ بول رہے ہیں نا. ان لوگوں کا تو راج تھا آٹھ سال پہلے, سب کو پتا ہے. لیکن ایک منٹ وقار صاحب ایک بات سنیے, وہ جلدی سے بولیے, پھر میں وسی جی سے پوچھنا, میں ان کو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. کس سے؟ بی ایچ یو میں ہمارا ایک دوست کو وہاں گھسنے نہیں دے رہا ہے کیونکہ سنسکرت پڑھا ہے. اس کے بارے میں تو کچھ بولے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بی ایچ یو میں یونیورسٹی ہے آپ کے آس پاس, جا کے دیکھیے کہ وہ بھائی صاحب سنسکرت میں ٹیچر ان لوگوں کے اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہا ہے. آپ ہی سے پوچھ رہے ہو. دیکھیے گورو بھاٹیا جی, سنسکرت اس لیے نہیں پڑھا سکتے وہاں پہ کیونکہ وہ مسلم ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ میں دونوں کو پوچھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں تتھیوں کی جانکاری کم لے کے آتے ہیں, لیکن جو آج چرچا کا وشے ہے پنہ اس پہ ایک بار آتے ہیں. ارے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ لیفٹ جو ہے ممتا بنرجی کی پیروی کیوں کر رہی ہے, اس کا میں آپ کے بیچ میں تو نہیں بولا تھا منوجیت جی. ٹھیک ہے, سنیے تھوڑا سا سیم رکھا کریے, اچھا لگے گا ممتا دی کو بھی اچھا لگے گا. نہ وہ رسو گلا یاد ہے نہ پتھر والا گلاب جامن کیا تھا, اچھا نہیں لگتا بیچ میں بولتے ہیں. بھیج نہیں دیا, رس سے پوچھا اتر لیجیے. اس کے بعد میٹنگ بھی ہوئی. انجنا جی, انجنا جی دیکھیے یہ طریقہ غلط ہے. پروفیسر ہے یہ, اب راجنیتک وشلیشک بن کے آئے ہیں. دوسروں کی بات سنیے, میں کیول ایک مدعا اٹھانے جا رہا ہوں اور وہ مدعا کیا ہے. یہاں پہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ یہ جالی دار ٹوپی ایک پہنتا تھا, یہ ایک دوسرے کی ٹوپیاں اتار اتار کے چار چار پانچ پانچ پہنیں گے, دوسرے کی ٹوپی پھاڑ دیں گے. کیوں آپ کو معلوم ہے؟ ان کو ووٹ بینک لگتا ہے جو مسلم سماج ہے, ان کی شکشا کی چنتا نہیں, ان کے لیے کیسے اچھا ہو یہ ان کو چنتا نہیں. اور ہر بات پہ ہندو مسلم کے جھگڑے کرا دو, اور یہی ممتا بنرجی کرتی ہے. اب نیا پلیئر اویسی جب آیا پشچم بنگال کی راجنیتی میں تو ان کو درد ہو گیا, اور اسی لیے لیفٹ کہہ رہی ہے کرم کرنا راجنیتی کرنا, یہ تو لیفٹ کا اور ٹی ایم سی کا ادھیکار ہے. اس میں اویسی نیا پلیئر کیوں کودے گا؟ یہی ان کا درد ہے. اوستھی جی, اوستھی جی جلدی سے کمنٹ بریک پر جانے سے پہلے, ٹوپی اور تلک یہی اب سگنیفیکنس رہ گیا ایک ووٹر کا اس دیش میں؟ اب آج جو ممتا بنرجی نے بیان دیا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ صرف صرف مسلمانوں کے لیے تو کہہ رہی ہیں نا وہ. اور جہاں تک بی ٹیم اور سی ٹیم اور ڈی ٹیم کی بات ہے, کرناٹک میں جے ڈی ایس اور اویسی کے اکٹھے الیکشن میں ریلیاں ہوئی تھیں. اویسی نے جا کر کے جے ڈی ایس کے سمرتھن میں کیا, جس کے ساتھ کانگریس نے سرکار بنائی. کانگریس کی سرکار کو نو دس سال تک بچائے رکھا اویسی نے, ایک ایک ووٹ کے مادھیم سے, ایک ووٹ کے مادھیم سے. او بھائی کس کی بی ٹیم ہوئی؟ کتنی پرانی بات ہے کانگریس کی, کتنی پرانی بات ہے. نہیں جب وہ یو پی اے کی سرکار, جب سرکار ہی نہیں رہی تو بچائے گی کیا وہ؟ جب تک سرکار تھی تب تک تو بچائی نا. کتنے سال ہو گئے؟ کتنا ابھی 13 تک, 2013 تک, 2000 تو اس کے بعد تو سرکار ہی نہیں تو بچاتی کیا وہ؟ سرکاری نہیں تو بچائے گی کیا؟ اب سرکار پھر ایک آدھ کم ہو جائے گی تو بچائے گی؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں, لیکن آپ کی بیٹی ماننے کو سب تیار ہے. کرناٹک میں ہوا نا, جے ڈی ایس کے ساتھ ریلیاں کی اویسی نے, جے ڈی ایس کے ساتھ, اور جے ڈی ایس کے سرکار ساتھ سرکار کس نے بنائی؟ کانگریس نے بنائی. تو وہ کھل کر راہل گاندھی کے خلاف بولتے ہیں, کس کی بی ٹیم ہوئی وہ؟ کھل کر راہل گاندھی کے خلاف بولتے ہیں اور یہ کہتے رہے جے ڈی ایس کو. بھائی صاحب میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, مجھے سمجھا دیجئے نا, لوگ یہ کیوں یقین کر لیتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور کانگریس کی بی ٹیم نہیں مانتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس لگاتار الیکشن میں کہتی رہی جے ڈی ایس بی جے پی کی بی ٹیم ہے, اور اس کے بعد ریزلٹ آنے سے پہلے اس کو سمرتھن گھوشت کر دیا. اوستھی جی ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا, بی جے پی کے ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا. پوچھ رہے ہیں,
आप बीजेपी कौन सी टीम हो? कौन सी आप बीजेपी कौन सी टीम हो? बीजेपी की कौन सी टीम? मतलब पूरा फुल टीम। आप बीजेपी की कौन सी टीम हो? जैसे आप ममता जी की चाइना की ओरिजिनल टीम, जो आप चीन की टीम हो, आप तो आप आसिम मुकार साहब, बहुत सारे सवाल है और खास तौर पर जो जैदी साहब ने पूछा है उस पर आपसे चर्चा करेंगे कि जो लोग आपके खिलाफ थे वो तो है ही, लेकिन जो साथ देते हैं उनका भी आपने साथ नहीं दिया, ये आरोप वो लगा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले। ये नाम इसलिए क्योंकि ये सियासत अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस ममता बनर्जी, नए दुश्मन, नए सियासी दुश्मन कहिए। आइए हल्ला बोल में चर्चा को आगे लिए चलते हैं। और वकार साहब जरा ये समझाइए, ये एक तो आरोप जैदी साहब का है वो अपनी जगह पर है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का बोलने का एक अंदाज अलग है। ये ठीक है कि ममता बनर्जी जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनेगा उस पर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन इस कट्टरवाद का आरोप तो तमाम पार्टियां लगाती है। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी को कुछ नया दिख रहा है, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर लगता ही है ना कि आप सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, अभी हम झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, हमने जो पहली लिस्ट जारी की उसके अंदर हमने एक आदिवासी को टिकट दिया, एक दलित को टिकट दिया और एक बैकवर्ड को टिकट दिया। मुसलमान को टिकट नहीं दिया पहले राउंड में, एहसान किया। अगर हम धार्मिक राजनीति करते हैं तो फिर अब इससे बेहतर तो कोई, मैं समझता हूँ, टिकट बंटवारे नहीं हो सकते। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने झारखंड के चुनाव में एक सरदार भाई को भी टिकट दिया है, जमशेदपुर ईस्ट से, सुरजीत सिंह नाम है। ये तो दावा खारिज कर दूं आपका। ममता बनर्जी वकार साहब, वकार साहब, ममता सिर्फ टिकट दे देने से क्या सब कुछ सफेद हो जाता है? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है, टिकट देने से सब कुछ सफेद हो जाता है? अगर अयोध्या पर देश की सर्वोच्च अदालत एक फैसला देती है जिसको पूरा देश, सभी पार्टियां स्वीकारती हैं, एक सेकंड, उसमें अगर भड़काऊ बातें, मुझे मेरी मस्जिद चाहिए, ऐसी बातें अगर ओवैसी साहब लिखते हैं, तो क्या इससे धर्म के आधार पर दूरियों को बढ़ाने और गहराने की बू नहीं आती है? नहीं, मस्जिद वाले मैटर पे आप भाई अगर कहिए तो उस पर बोलूं। बोलिए आप, क्योंकि इसीलिए आप पे कट्टरवाद की राजनीति आती है। शबरीमाला मंदिर के फैसले में शबरीमाला किसकी शर्ट ज्यादा काली है ना, बहस ये नहीं है। रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। आप समझ नहीं रहे वकार साहब मेरे सवाल को। मेरा सवाल ये नहीं है कि किसकी शर्ट ज्यादा काली है, मेरा सवाल का जवाब आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप पूछे क्या मुझसे? आप मुझे तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या दें? आपकी समझ में नहीं आप मस्जिद मांगते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर मुसलमानों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए तो मस्जिद क्यों चाहिए? एक यूनिवर्सिटी मांगिए ना, यूनिवर्सिटी मांगिए, अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकते हैं। अब समझाऊं आपको, सुन लीजिए, अब इसका भी सुन लीजिए। अंजना जी सुनिए, सुनिए सवाल भी सुन लीजिए, पढ़ाई भी सुन लीजिए। अरे पढ़ाई भी सुन लीजिए भाई, हिंदुस्तान में इकलौते नेता हैं असद ओवैसी और अकबर ओवैसी साहब, जिनके अपने 10 इंटर कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें 17,500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनसे फीस नहीं ली जाती है, जिनको किताब, कॉपी, कलम, बस्ता, ब्रेकफास्ट, जूता, मोजा सब दिया जाता है स्कूल की तरफ से, सालारे मिल्लत एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से। आप ओवैसी की ऑटोबायोग्राफी है मुझे दूसरा नेता बताइए, हिंदुस्तान में बताता हूँ दूसरा नेता बताइए, और भी वजह दूसरा नेता बताइए जो फ्री में एजुकेशन देता है। मैं बताता हूँ, आप जो बात कहिएगा उसका सबका जवाब दूंगा। और अभी आपने जो हैदर साहब की बात की थी, अमीर हैदर साहब की, अच्छा इसका जवाब दे दीजिए, बाकी सब छोड़िए। मुझे मजबूरी, ये ओवैसी जी का बयान है कि मुसलमानों की बर्बादी के कारण कर रहे थे, इसका मतलब बता दीजिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, और आपको खैरात नहीं चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, मतलब आपको लगता है खैरात देना? अमीर हैदर साहब पे सुन लीजिए, बोलिए आप लीजिए, अमीर हैदर साहब पे सुन लीजिए, मेरा समय भी ले लीजिए, लेकिन ये बताइए कि संसद में क्या मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं? ये ओवैसी जी का बयान है, और खैरात मिली है क्या? ये दोनों का प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, चलिए बताइए। देखिए अगर वहां मस्जिद नहीं थी, नहीं 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 सुनिए अब, नहीं नहीं अगर नहीं, नहीं, नहीं उत्तर दीजिए, और वो अवैध थी संसद में, तो खुदा हम लोग को एक स्क्वायर फीट जमीन बर्बादी के कानून बनते हैं, हम फ्री की जमीन नहीं लेते सर, नहीं लेंगे एक स्क्वायर फीट जमीन नहीं लेंगे, अच्छा फ्री की, और उल्टा हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर मस्जिद अवैध थी, फैसला आया, मस्जिद नहीं मानते पार्टी है, अडवाणी को तो केस चला, एक मिनट पूछ रहा हूं,
राम मंदिर पे आप पार्टी है नहीं है सर, आप परेशान लोग हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड तय करेगा, आप परेशान लोग हैं, आपको पता ही नहीं क्या पूछे, पार्लियामेंट में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। अरे ओवैसी जी इकलौते नेता है जो सेनानी शहीद हो जाते हैं तो अंजना जी ये शवों में गिन लेते हैं कि तावीज पहना है या तिलक लगाया है। इन्होंने बता दिया था जो सेनानी शहीद हुए हैं उसमें मुसलमान कितने, इकलौते नेता हैं ओवैसी जी। और एक आपकी तारीफ में कुछ पढ़ दूं, पढ़ के दो कलमे अगर कोई मुसलमान हो जाए तो फिर तो दो रोज में शैतान भी इंसान हो जाए। अगर कहिए तो बोलूं, कहिए चुपचाप बैठूं, ठीक है? यह आप ही की शान में पढ़ा है, आपकी शान में मैं पढ़ दूं, आपकी शान में जैदी साहब कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप आपकी शान में जैदी साहब कुछ पढ़ना चाहते हैं। गौरव जी और वसीम भाई सुने, बीजेपी आईएम दोनों पढ़े, बीजेपी एआईएम दोनों एक है, एआईएम बीजेपी नहीं, आप एआईएम के दफ्तर में बैठे, आपको कैसे पता है? अभी मैं फिर कहूंगा बीजेपी एआईएम कहूंगा, हमारी बेइज्जती मत, एआईएम बीजेपी से थोड़ा हमारी बेइज्जती मत करिए। आदिवासी को टिकट दे रही है, दलित को भी दे रही है, ये देते ही नहीं है। मुझे एक दो मिनट बाबरी मस्जिद तो सुनिए वकार साहब, बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर फैसला 80% मुसलमानों के पक्ष में आया। अरे मैं आप सुने होता की रोशनी में, अब आप मेरी सुनिए, 80% मुसलमानों के पक्ष में आया, 20% हिंदुओं के पक्ष में आया, देखिए वो सुन लीजिए जी, आपने देखा पिछले 30 साल से गाली दी जाती है मुसलमानों की औलादें, मंदिर जो तोड़ा हिंदुओं कोर्ट ने कहा नहीं तोड़ा, सिखों की कोर्ट ने कहा मूर्तियां गलत रखी गई, कोर्ट ने कहा कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन टोटल फैसले को मुसलमानों के पक्ष में मानता हूँ। आपको एक मैसेज यहाँ से देता हूँ कि इन्हें मंदिर मंदिर खेलने दीजिए गौरव भाटिया को, आओ वसीम वकार साहब चलो आओ स्कूल और कमी से बात बोलिए, खेलोगे मंदिर में खेला नहीं जाता है, मैदान में तो आ सकती है, 5 एकड़ जमीन मैं देता हूँ मुसलमानों को स्कूल खोलने के लिए, क्या ओवैसी साहब तो हम चलाएंगे खेलने में भाई का जमीन देने के लिए, मंदिर मंदिर खेला नहीं जाता है, मंदिर के लिए प्राणों की आहुति दे दी लोगों ने, बीजेपी के हाथ मंदिर में आस्था होती है और ये हाथ राम लल्ला विराजमान होंगे, आप जब मस्जिद जाते हैं भाई साहब तो आओ मस्जिद की बात करें, शिक्षा की बात करें, जो मुसलमानों की भी तो बच्चे कह रहे हैं हमें शिक्षा चाहिए, मुसलमान उन्हें जनरल डायर की तरह कोई ऑर्डर देता है और उन्हें गेट मस्जिद मस्जिद खेलते हैं मारा जाता है, मैं पूछता हूँ कोई नेता बोलने को तैयार, मस्जिद मस्जिद के आप खेलते हैं, जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप कौन सा गेम खेलते हैं बताइए सब, गौरव जी हम कह रहे हैं कि ये फैसला राम मंदिर का 80% मुसलमानों के शब्दों की वजह से 30 साल से देश में आप जहर बाबर की औलाद काटना चाहते हैं, कोर्ट ने कह दिया मंदिर तोड़ के और बीजेपी है, लेकिन कोर्ट ने यह मान लिया मस्जिद तोड़ के मंदिर जोड़ने का काम करती है, आपकी ये दोना तुम है, आपकी हिम्मत कैसे होती है, ये दोना तुम है, चैनल पे आए तुमने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, वापस बहस पर आते चाहिए, वापस बहस पर आते हैं मनोजीत मंडल जी, 18 सीटें जो बीजेपी ने जीत ली हैं, इसी से इतना भय हो गया कि आपको वैसी से भी डर लगने लगा ममता बनर्जी, डरने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं तो ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हैदराबाद वाले से बच के रहो, नहीं है कोई भी राजनीति में दुश्मन नहीं होते, दे आर आवर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा पर है, कट्टरवाद का आरोप आप किसी पर लगाइएगा और बोलिएगा वो हमारा दोस्त है, उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, सोच के हम किला पे जिस तरह से जयदी साहब ने कहा है अयोध्या में कुछ नहीं मिला, लोगों ने तमाचा मार दिया, कितना कोशिश किए थे, सैल्यूट कीजिए अयोध्या के लोगों को, एक भी घटना नहीं घटे, आपने चाहता था ना कुछ घटे, खैरत नहीं चाहिए, ये इनफेलिबल है, सुप्रीम है, अरे क्या रिव्यू करने से किस किन लोगों का फायदा होगा, अगर रिव्यू नहीं हुआ तो डिसमिस होगा था, बाद में आप आलोचना करेंगे, पॉलिटिकल फायदा किन लोगों का होगा, आप लोगों ने इस तरह से क्यों बात करते हो, अरे 5 एकर्स में यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए, मांगिए ना एक अयोध्या में यूनिवर्सिटी हो जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ यू नो आरोप लोग किस तरह से किस तरह भाईचारे के साथ रह रहे हो भाई, एक भी घटना नहीं घटी, आप भी गए थे, आपका टीम भी गया था, ऊपर कितना अप्रिहेंसिव हो, जजेस लोग भी अप्रिहेंसिव थे, जिन्होंने वादित के पहले जजेस लोग भी अप्रिहेंसिव थे, लेकिन द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव completely proven you people wrong, look at the kind of democracy that we are nurturing now, such a mature democracy, people ko salute kijiyega, judges log bhi apprehensive the verdict se pehle, lekin ek bhi ghatna nahi ghoti, aap log chahte the
जिंदगी भर जय श्री राम में रहो और दिलीप घोष को देखिए क्या कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे ममता बनर्जी को दर्द होता है। केवल एक धर्म विशेष की बात करना, मौलाना मुफ्तियों को भत्ता मिलेगा, बाकियों को क्यों नहीं मिलेगा बताइए। ईश्वर जहाँ हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में चली गई उसको धमका दिया, उसके बच्चे को धमका रहे थे। शर्म आनी चाहिए भाई, बकार साहब शर्म आनी चाहिए। आपका बीच बीच में जरा सिग्नल उड़ जा रहा है, उसके बाद में आ रही हूँ। बकार साहब जरा जवाब दे दीजिए, कह रहे हैं मनोजीत मंडल की जब पूरा देश, अरे बोलिए प्रभु बोलिए, लेकिन आप जो है ना आप तो सवाल ही समझने में 10 मिनट लगा देते हैं, क्या किया जाए। ये पूछ रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या के वर्डिक्ट का जिस तरह से आप लोगों ने इस्तेमाल किया भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, इससे आप पर कट्टरवाद का आरोप लगता है। उसके बाद भी तमाचा मिला हुआ का जनता से, जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं हुआ। देखिए ये सब बैठे अकलमंद लोग बैठे हैं, इनको इतनी तमीज होना चाहिए कि एक आदमी बोल रहा है दूसरे की सुनो, वरना किसी की बात नहीं पहुंचेगी। गौरव भाई तो बहुत पुराने हैं, इनको तो पहले जा जाना चाहिए था ये बात। देखिए अभी अमीर हैदर साहब बोल रहे थे, उन्होंने बीजेपी का एजेंट भी कह दिया, ये भी कह दिया, वो भी कह दिया। मैं पर्सनल नहीं होता किसी पर, लेकिन ये अमीर हैदर साहब मुझे दसियों फोन कर चुके हैं कि साहब दम घुटता है मेरा पार्टी में, वैसे हिसाब से बढ़ जाए लीडर कोई नहीं, आसिम भाई मुझे पार्टी में ले लीजिए। कमाल है भाई, कमाल है भाई, अजीब मसला है। अमीर हैदर जैदी उसका नाम है, सुन लीजिए, दरिया कभी नाले में नहीं मिलता, दरिया कभी नाले में नहीं मिलता, गलत फहमी का शिकार मत होइए। अमीर हैदर लाल पूछे लेके पैदा चला जाएगा, गलत आरोप किया। अगर तुमसे कभी बात की होगी, अगर मान लो सुन लीजिए, वो आज ब्लॉक पर डाल देता हूँ, पार्टी में ले लो आसिम भाई, गलत फहमी के शिकार है आसिम भाई, मुझे पता था। मैं तुमसे कहूंगा सर, कमाल की बात है, यही तो बताता हूँ ना। मैंने आते जो अंजना जी का नेतृत्व में कूफियों की अलामत है, उतना कूफियों की अलामत तुमने पाई जा सकते हैं। जब ही तो अली सौराब को आज छोड़ दिया, वही कूफियों की अलामत है आपके अंदर। ये पहले खत लिखोगे, फिर इंकार करोगे, फिर साथ छोड़ के पहाड़ों में भागोगे, ये कूफियों की अलामत जैदी में नहीं पाई जाती। आप गद्दार टाइप के आदमी, ये जैदी में नहीं पाई जाती। अरे देखिए इसको पर्सनल लड़ाई मत बताइए, कितनी बात होती है। एक सेकंड ऑफ द रिकॉर्ड, बात को ऑफ द रिकॉर्ड लाओगे तो क्या बात होगी। नहीं प्लीज ये बहस एक घंटे की ना, तो आमिर हैदर जैदी की राजनीतिक सोच पर या क्या वो चाहते हैं इस पर प्लीज, मैं इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ। पर्सनली आरोप मत लगाइए, हमारे पास यहाँ कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। मैं अलीस और आपको छोड़ कर नहीं रहता, कम्युनिस्ट पार्टी में मुझे कयादत इसलिए मैं अल्पसंख्यक हूँ, उनके मुद्दे उठाऊ। मैं कम्युनिस्टों पे तो मुझे जहरिया कहते हो, मैं उससे नहीं डरता, मुझे नहीं चाहिए। वकार साहब ये जो आप तरह तरह के विचार यहाँ निकालते हैं ना, सवाल का जवाब छोड़कर सब बोलने लगते हैं। वेरी कुछ बोल रहे हैं, की अलामत पाई जाती है इनके अंदर। वेरी बैड टेस्ट, ये ठीक बात नहीं। वो पर्सनली आपको क्या फोन करते हैं, इसमें देश की दिलचस्पी नहीं है भाई साहब। मैं सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। अगर आपसे पर्सनली कभी गुफ्तगू हो गई, सलाम दो हो गए, इसका मतलब ये हुआ बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। मैंने उम्र एक सवाल का जवाब दीजिए, उम्र में जाना है तो उसे भी कहोगे साहब कम्युनिस्ट होके उम्र में जाना चाहता है। रोज टीवी पे हम लोग की बहस होती है, लड़ाई होती है, गुस्से में एक बार सुनने के लिए चले गए, लेकिन पर्सनल आरोप लगाना फोन पर कौन किससे बात करता है वो आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं। अरे कूफी किसे कहते हैं, सबको तो कहते हैं, शुरू में कहा कूफी है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी, सुनिए बाप मेरी बात। खैरात की जमीन जो मेरी मस्जिद चाहिए, इस पर आइए जरा बताइए क्यों भाईचारा बिगाड़ते हैं। हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं चाहिए मस्जिद, क्यों नहीं चाहिए। यशवंत सिन्हा ने क्या बोला, यशवंत सिन्हा ने बोला कि अडवाणी जी को डेमोलिशन पर दुख था, पछतावा था उनको कि मस्जिद गिर गई। अभी की बात है, उन्होंने कहा यह फैसला गलत आया है, इसमें बहुत सी खामियां हैं। यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं कि मस्जिद की शहादत उनको दुख है। एक मिनट में आ जाए, अल्लाह का फैसला है। जब इनके नेता बन गए, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मस्जिद की शहादत पे दुख है लोगों को, अडवाणी दुखी है,
देखो अंजना अडवाणी दुखी है, मुद्दा आज था आप समझिए की बात करें, ऐसे तो बहस कहीं से कहीं निकल गई। बोलिए बोलिए, मुख्य मुद्दा, एक सेकंड, इन्होंने कहा है मुख्य मुद्दा यह है कि सैयद असीम वकार ने यह कहा कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। ये एक मुद्दा है जिसके कारण आज ममता बनर्जी का वक्तव्य आया है। सीधी सी बात है, अगर एक कम्युनिटी पर एक कोई व्यक्ति अपना एक अधिकार मानता हो और दूसरा उसमें अगर अधिकार जमाने आ जाए तो यह बयानबाजी तो होगी। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस देश के मुसलमान अपने आप को एक वोट बैंक के रूप में कब तक पहचाने जाते रहेंगे, उससे कब बाहर नहीं आएंगे कि मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है, उसको भी देश की मुख्य धारा में जुड़ने का हक है। वो सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रहेगा, वो देश के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। वो सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर, कुछ इमामों के कहने पर, कुछ मस्जिदों से ऐलान होने के बाद अपना वोट देगा, ऐसा अब नहीं करेगा मुसलमान। ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन बात यह कि इमामों को कुछ दे दिया वेतन, यहाँ पे दे दिया कुछ और दे दिया, अपीजमेंट करते रहे और मुसलमान कम्युनिटी के वोट लेते रहे और मुसलमान कम्युनिटी पर, सच्चर कमेटी पर आंसू बहाते रहे। अरे बताइए ना फिर क्यों हुआ ये, अब तक क्यों हुआ? सब लोग वोट लेते रहे और वोट लेकर के जीतते भी रहे और सत्ता के शिखर तक पहुंचते भी रहे, फिर भी क्यों हालत नहीं है? ये कोई नहीं बोलेगा। समझ नहीं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक मत समझिए। कौन समझ? और उसके कारण जो आज ममता बनर्जी और ओवैसी आमने सामने है, कारण वही है, मेन कारण वही है, एक कम्युनिटी। अरे मैं नहीं कह रहा भैया, अरे नेशनल नेशनल नैरेटिव क्या है? आप ये बताइए, सरस्वती रामनवमी का विरोध किया, हनुमान जयंती का विरोध किया, किया भी नहीं किया? मिली वक्त है, सब किया ना ममता बनर्जी ने? आज वहाँ ओवैसी पर देखिए, दिलीप घोष जो बोल रहा है वो भी ऐसी बात बोल रहा है। पर मेरा एकाधिकार था, दूसरा पार्ट क्या हो गया? इसलिए इन्होंने सबसे पहला क्या कहा? इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए कुछ भी बयान देते हैं, एक केस भी नहीं होता है, मनोजीत मंडल जी, मनोजीत मंडल जी, एक सवाल तो मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी इसी देश की एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी कई जगहों पर सीटें जीत रही है जिसमें महाराष्ट्र और बिहार की किशनगंज सीट भी है। ऐसे व्यक्ति को आप ये कहें कि चूंकि सीमा से जुड़ा हुआ मेरा राज्य है इसलिए इनके कट्टरवाद से बचिए, आपका इशारा आखिर क्या है? असदुद्दीन ओवैसी देश की संसद में बैठते हैं, वो देश की संसद में बैठते हैं, वो कैसे आप नकार सकते हैं ऐसे व्यक्ति को? कट्टरवाद क्या उनके सोच के खिलाफ है? हाँ। लेकिन कट्टरवाद है, सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती राज्य है तो क्या हो जाएगा? इधर हो, ओवैसी क्या करा देंगे? ओवैसी क्या करा देंगे? सोच के खिलाफ है हम, सीमावर्ती राज्य को डरना चाहिए, क्या करा देंगे ओवैसी? बंगाल में देखिए डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आई चैलेंज हिम, कम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल विद द मुस्लिम कम्युनिटी। वो भी कहते हैं, वो उन्होंने भी हैदराबाद में काया पलट की है, उन्होंने भी हैदराबाद में काया पलट की है, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज बनाए हैं, लगातार वहां से जीत रहे हैं। क्या हुआ? बच्चों को फेलोशिप मिल रहा है, यूनिवर्सिटीज हुआ है, एक मुस्लिम लोगों की यूनिवर्सिटी हुआ है वहां पर कास्ट। गर्भाटिया जी, आप बोलना चाह रहे थे, जल्दी से आपका एक रिएक्शन देखिए। कुल मिलाकर मुस्लिम वोट एक तरफ, आपकी भी राजनीति बड़ी सदी हुई है दूसरी तरफ। अंजना जी, केवल मैं इतना ही कहूंगा कि इन दोनों पार्टियों में इस बात की प्रतियोगिता चल रही है कि कौन ज्यादा विष घोल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप और आकार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है, हाँ। वो भी बौखलाहट का कारण है जिस कारण ममता बनर्जी इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है। आमिर हैदर जैदी साहब, चूंकि आप पर एक पर्सनल आरोप लगाया था, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, अपनी बात रख ली। अंजना जी, मैं चुनाव समिति का अध्यक्ष हूँ, पार्टी ने मुझे आधिकारिक बनाया, कल मैंने 20 पार्टियों को फोन किया होगा, क्या 20 पार्टी मुझे कहेंगे कि साहब हमारी पार्टी माना चाहता है? मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मुसलमान कूफी है, गद्दार है, बात कुछ और होती है, कहते कुछ और है, इसलिए मैंने अब आपकी बारी। जो सवाल हमने आपसे पूछा था, ओवैसी पर कट्टरवाद के आरोप में ममता के कितना दम है, इस सवाल में 73% कह रहे हैं कि हाँ ओवैसी कट्टरवाद का जो आरोप ममता ने लगाया है उसमें दम है, जबकि 27% है जो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।